आई वन इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग जो लाउडनेस है दैट इज एल वन सो एलवन इक्वल्स टू टेन लॉक टेन यहाँ पे मैंने जीरो लिखा है इसको सही कर देना कर देता हूँ कोई दिक्कत नहीं है इसको ठीक कर देते हैं यहाँ आ जाएगा टेन ओके सो दिस इज डन राइट सो एलवन इक्वल्स टू टेन लॉक टेन इन टू आई वन बाय आई नॉट सिमिलरली एल टू इज इक्वल्स टू टेन लॉक टेन आई टू बाई आई नॉट तो एल टू लाउडनेस है साउंड की जब साउंड की इंटेंसिटी आई टू है ठीक है एंड इट इज सेइंग इफ द साउंड लेवल इज इंक्रीज बाय थर्टी डेसिबल मतलब पहले एल वन था बाद में एल टू हुआ तो लाउडनेस चेंज हुआ हाँ कितना चेंज आया लाउडनेस में थर्टी डेसिबल का चेंज आया तो फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा चेंज इन लाउडनेस इज इक्वल टू थर्टी डेसिबल तो गिवन है मेरे को तो एल टू की वैल्यू यहाँ सब्सिट्यूट करूंगा एल वन की वैल्यू यहां सब्सिट्यूट करूंगा क्योंकि मेरे को गिवन है ना कि जो लाउडनेस uh, का जो डिफरेंस है दैट इज थर्टी डेसिबल तो मैं यहाँ वैल्यू सब्सिट्यूट कर देता हूँ थर्टी इक्वल्स टू एल टू माइनस एल वन अब एल टू क्या है टेन लॉग टेन आई टू बाई आई नॉट ये टेन लॉग टेन आई वन बाय आई नॉट तो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या हो जाता है लॉग ए अपॉन बी तो मैं ये टेन लॉक टेन तो एज इट इज आ गया लॉग ए ये पूरा का पूरा ए हो जाएगा या लॉग टू माइनस लॉग वन करेंगे तो लॉग टू अपॉन वन आ जाएगा ठीक है ना तो लॉक टू अपॉन वन तो ये टू हो गया आपका टू क्या है आपका ये पूरा का पूरा आई टू बाय आई नॉट अपऑन में आ जाएगा आई वन बाई नॉट आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो जाएगा तो आई टू बाय आई वन बच जाएगा तो आपके पास अब ये आएगा दैट थर्टी इक्वल्स टू टेन लॉक टेन आई टू आई वन ठीक है अब जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे तो थ्री लॉक टेन इक्वल्स टू आई टू आई वन अब लॉक को अगर हम लेफ्ट साइड लेंगे तो दैट विल बिकम टेन टू द पावर थ्री आई टू बाई आई वन इक्वल्स टू टेन टू द पावर थ्री और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आई टू इज इक्वल्स टू थाउजेंड ऑफ आई वन तो ये दोनों में इंटेंसिटीज में रिलेशन आ गया कि अगर लाउडनेस थर्टी से इंक्रीज हो जाती है ठीक है ना और हम कह सकते हैं कि हाँ, लाउडनेस लेवल हमारा थर्टी से इंक्रीज हो जाता है तो हमारी इंटेंसिटी जो है फाइनल इंटेंसिटी होगी वो इनिशियल इंटेंसिटी थाउजेंड गुना ज्यादा बढ़ जाती है ठीक है सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन